आज आपकी जो भी योजना है, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको सफल होने का समय आ गया है। माता पिता का सुख आपको मिलेगा और आज आपको अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। अचानक विदेश गमन का योग बन सकता है जिससे आपका मन थोड़ा खुश हो सकता है। आपके लग्न में सूर्य बुध राहु, तो चूंकि लग्न कर्क राशि का है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा के घर में राहु हो तो मन आपका अकारण व्यथित रहेगा, चिंतित रहेगा। आप योजनाएं तो बनाएंगे, प्लानिंग भी करेंगे, लेकिन अज्ञात कारणों से मन में आपके भय रहेगा। आप रस्सी को सांप समझ लेंगे, सांप को रस्सी समझ लेंगे। तो इस मनोभाव से निकलना है, पॉजिटिव सोचना है। सावधानी क्या बरतना है? पॉजिटिव सोचना है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका मन अकारण चिंतित रहता है तो उससे अकारण चिंता से हटने की जरूरत है। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, बहुत अच्छा रहेगा। उपाय, आज चंद्रमा का आप अर्घ दें और गाय को रोटी खिलावें। साथ ही महीना चल रहा है सावन का, तो सावन के महीने को एकदम सदुपयोग करिए। सावन का पूरा महीना, पूरा क्षण, एक एक सेकंड भगवान शिव को अति प्रिय है, तो जो हो सकता है भगवान शिव की पूजा के लिए आप उसके लिए करिए। तो आज आप क्या करें, बेलपत्र ले लें, उस पर राम राम लिख सकते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को अर्पित करें। गंगा जल ले लें, जल ले लें, गाय का दूध ले लें, अगर अर्पित करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी परेशानियों में निजात मिलेगी। और जो आप अकारण चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, चूंकि चंद्रमा भगवान शिव के सर पर रहता है, तो चंद्रमा की पूजा करेंगे तभी भगवान शिव को मिलेगा, भगवान शिव की पूजा करेंगे तो चंद्रमा को मिलेगा, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।